नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, एल्केल एमाइंस ये ऐसा स्टॉक है ना जो हर कोई खरीदना चाहता है, और ऐसा वो गलत भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह की इसने रैली दिखाई है, और सिर्फ एल्केल एमाइंस नहीं दोस्तों, दीपक नाइट्रेट को आप देख लें, जितने केमिकल स्टॉक्स हैं वो जिस तरह भाग रहे हैं, और जिस तरह का यूफोरिया मार्केट में बना हुआ है कि इसे ले लें और पैसे आपके बन जाएंगे, और थोड़ी सी भी गिरावट आती है दोस्तों तो लोग घबरा जाते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ एल्केल एमाइंस की, तो जो ये शेयर है कुछ समय से थोड़ा सा गिरावट की ओर इशारा कर रहा है। इस समय चर्चा करेंगे दोस्तों, सपोर्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा रेजिस्टेंस आपको अगर तोड़ता है तो आपको और ज़्यादा तेजी दिखेगी, प्लस एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, और कुछ लोगों को ये बताना है जरूरी पड़ेगा दोस्तों कि कंपनी एक्चुअली में कैसी है। तो ये सब दोस्तों, कंपनी एक्चुअली में कैसी है और कंपनी का क्या प्रोसेस कौन सा है, ये हम थोड़ा लेटर आखिरी पार्ट में आएंगे। तो जिन्हें ये सब देखना है तुरंत आखिरी में चले जाए दोस्तों, बट शेयर के टेक्निकल एनालिसिस और थोड़े बहुत लेवल से बातचीत में शुरू में ही करूंगा, ठीक है। तो शुरू के कम से कम 3 से 4 मिनट आप बने रहें इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल में अभी नए आए हैं तो प्लीज चैनल को अभी दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज और लेवल्स सिर्फ इसी में नहीं, कई अदर स्टॉक्स है दोस्तों मैं लाता रहता हूँ, वो आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को अगर आप लाइक कर देंगे दोस्तों तो ये माफ कीजिएगा दोस्तों, तो ये दूसरों को भी रिकमेंड होगा और हमारे चैनल में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ेगी दोस्तों, और हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो अब चलते हैं सीधा दोस्तों, कहां पर अब चलते हैं दोस्तों, सीधा एल्केल एमाइंस की शेयर प्राइस की तरफ दोस्तों, ठीक है। तो जो एल्केल एमाइंस का शेयर है दोस्तों, लगभग आप देखेंगे कि आज ये देखिए कि लगभग आज ये वन सेकेंड दोस्तों, हाँ आज लगभग 0.12% दोस्तों ऊपर बंद हुआ है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है दोस्तों, आप देखिए पिछले 5 दिन की मैं बात करूं तो लगभग 6.5% दोस्तों ये टूट चुका है, ठीक है, 6.5% ये दोस्तों टूट चुका है। तो अब लोगों को डर ये लग रहा है क्या ये गिरावट और हो सकती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज देता हूँ, आप ये थोड़ा देखिए, ये पार्ट को देखिए, ये अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री की ओर अभी भी है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब मैं बताऊंगा, इसको देख के केवल नहीं समझ सकते, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करूंगा 2 मिनट अभी। हाँ, लेकिन दोस्तों देखिए, ये शेयर आप केवल 6 महीने में देखिए 101% का रिटर्न, मतलब ये क्या है ये दोस्तों, समझ रहे हैं आप, 101% का रिटर्न मतलब, और 1 महीने की अगर मैं चर्चा करूं आपसे अभी तो भी है लगभग -1.87 का आपको निगेटिव रिटर्न दिया है। और दोस्तों अभी पैटर्न देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये पैटर्न, इसने एक यू पैटर्न बनाया, और अब ये देखिए, ये कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों, ठीक है। आपको जब एनएससी की वेबसाइट में लेके जाऊंगा तब आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। और आप देखेंगे तो भाई आप पाएंगे कि जो इसके लेवल्स हैं दोस्तों, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अब बन रहे हैं, और लोग जो 1 महीने पहले लिए थे अभी भी नेगेटिव में, उनको ये समझ नहीं आ रहा भाई कि अब आगे क्या करें। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो ₹3900 है ना, इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। और ये सब दोस्तों, मैं जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलता हूँ ना, आप एक बात याद रखिएगा, ये सब क्लोजिंग बेसिस पे होता है, क्योंकि जिस तरह का मार्केट चल रहा है ना, जो शॉर्टर्स है वो स्टॉप लॉस को टच करा के फिर ऊपर की तरफ दोस्तों भगा देते हैं शेयर को, और बेचारे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो डर जाते हैं और स्टॉप लॉस उनका हिट हो जाता है और फिर वो घबरा जाते हैं। इसे दोस्तों जो केमिकल सेक्टर और ऐसे हाई वोलेटाइल स्टॉक है ना, इसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इसमें जितना हाई रिटर्न्स का है ना दोस्तों फायदा, उतना इसमें लॉस का भी थोड़ा दोस्तों, लॉस को भी हमें ज्यादा बियर करना पड़ता है, इसीलिए जिसके स्टॉप लॉसेस होते हैं दोस्तों ये थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। आप देखिए कि जो ₹3900 है, अभी भी इसके एक अच्छा सपोर्ट बना है दोस्तों, ठीक है। और अगर ये 4000 तोड़ेगा दोस्तों, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है इसका दोस्तों, ये अगर तोड़ता है तो फिर आप देखेंगे इसको कि 1300 जाने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। ये तो होगी दोस्तों जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, ठीक है, उनके लिए। लॉन्ग टर्म लिए दोस्तों, जिस तरह से ये थोड़ा सा अभी ये ट्रेजेक्टरी बना रहे हैं ना दोस्तों टेक्निकल बेसिस में, ठीक है, उसमें कई जगह ₹3300 लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये भी नेगेटिव रिटर्न आपको दे सकते हैं, तो ₹3300 भी दिखा सकता है। क्यों दोस्तों, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, एक करेक्शन कम से कम 5 से 8-10% का उसमें बनता है दोस्तों, और जिस दिन वो आएगा, करेक्शन बोलो दोस्तों, क्रैश नहीं, करेक्शन मार्केट के लिए जितना अच्छा होता है उतना बहुत जबरदस्त बुल रन नहीं होता दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा। मार्केट अगर 5-10% करेक्ट होता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट हेल्दी है दोस्तों,
ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर कोई भी मार्केट या कोई भी शेयर अगर सिर्फ ऐसे चल रहा है ना दोस्तों, तो उसमें गिरावट भी ऐसे हो जाती है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। और जो ये गिरावट हुई ना दोस्तों, इस समय हमारे पास कोई चांस नहीं बचता कि हम पैसे बचा सके, ठीक है। इसी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको दो टर्म पता होने चाहिए दोस्तों। एक पहला कौन सा, 4000, यहां उन्हें निवेशित होना चाहिए दोस्तों। 3900 पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये तोड़ेगा दोस्तों तो बहुत सीवियर गिरावट होगी। और 3300, इससे ज्यादा गिरना दोस्तों मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ है इस शेयर के लिए। 3300 बहुत ज्यादा सीवियर गिरावट होती है तो ही आप देखेंगे कि यहां तक जाएगा, कि 3300 मतलब मान के चले दोस्तों कम से कम 20% की गिरावट। और एल्केलाइन माइंस मुझे उतना नहीं लगता दोस्तों, लेकिन दोस्तों फिर से मार्केट है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और जिस तरह से ये दोस्तों ये रिटर्न दे चुका है ना, आप देखिए 6 महीने में 101, जनवरी से अभी तक 165%, मतलब जबरदस्त रिटर्न दोस्तों। इसीलिए आप डाउन साइड अभी बोल नहीं सकते कितना और गिरेगा, कि शॉर्टर्स को अगर समझ में आ गया इसको गिराने में आ गए तो उसको कोई टेक्निकल कुछ काम नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ उस समय क्या कमाते हैं दोस्तों, पता है आपको, एक्यूमुलेशन, सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेशन। इसीलिए हर एक सीवियर गिरावट में दोस्तों, थोड़ी थोड़ी गिरावट में, उन टेक्निकल्स पे एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के होरिजन में हमें एक या दो दो करके, तीन तीन करके हमें ऐसे खरीदारी करनी दोस्तों। क्योंकि देखिए कंपनी कैसी है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों इतना कॉन्फिडेंट हूं इन कंपनीज के। और दोस्तों अब तो हो गई बहुत डराने की बात, अब थोड़ी अच्छी बातें करते हैं कि जो अपवर्ड ट्रेंड चल रही है दोस्तों, जब तक 4160 को तोड़ करके क्लोजिंग बेसिस से बंद नहीं होता दोस्तों, ठीक है, 4100 to 4200, इन दोनों को ये तोड़ के दोस्तों ऊपर बंद नहीं होता क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है दोस्तों। ये ऊपर नीचे करके कंसोलिडेट करता रहेगा, बट 4160 to 4100 जब तक ये इस ट्रेजेक्टरी तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों, तब तक इस शेयर में आप देखेंगे कि कोई भी आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी। हाँ, लेकिन अगर ये टूटा दोस्तों ये दो लेवल इस शेयर में, तो आप देखेंगे आपको जल्द से जल्द 4422 यानी 4200 से लेकर के आपको 4400 से लेकर के 4422 तक ये लेवल जाने की मादा रखता है दोस्तों। और ये तुरंत होगा, मुश्किल से 5-7 ट्रेडिंग सेशन लगेंगे दोस्तों, ये आपको एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में दिखाते रहेगा, बशर्ते ये 4162 और 4200 दोस्तों ये तोड़े के क्लोजिंग बेसिस पे बंद ना हो दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों देखिए, अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करें तो, या मतलब थोड़े और समय की बात करें, मान ली 3-4-6 महीने की, तो 4600 आपको अल्टीमेट इसमें टारगेट देखने मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं टारगेट और ज्यादा बात करता नहीं हूँ, क्योंकि इसलिए क्योंकि आजकल ना दोस्तों न्यूज ड्रिवन बड़ी चीजें भाग रही हैं। न्यूज आती है, शेयर मतलब 10-12% भाग जाता है, और एक निगेटिव न्यूज आती है, सारे टेक्निकल खत्म हो जाते दोस्तों। कोई क्या MACD है, कोई क्या RSI लग रहा है, कुछ मतलब नहीं होता। आप एक्साइट में देखिए लोग, मैं उस एक्साइट में इतने समय से बना रहा था दोस्तों, एक और यही होता है दोस्तों अंकर, मैं बता रहा था कि वो जो फंडामेंटली स्टॉक शेयर होते हैं दोस्तों, वो जब बहुत ज्यादा गिर जाते हैं और अपने अल्टीमेट सपोर्ट में थोड़ा होवर अराउंड करते हैं, एक गुड न्यूज उसे इतनी भयंकर भगा दी दोस्तों, 200 लेवल को तोड़ के ऊपर बंद हुआ है, जबरदस्त रैली दोस्तों, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि एल्कलाइन एमाइंस ये कैसा शेयर है, आप देखिए एल्कलाइन एमाइंस को, तो आप पाएंगे कि भाई एक मिड कैप शेयर है दोस्तों, देखिए 21,000 करोड़ की। आप ROC देखिए और आप ROE देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल, मतलब ये समझ रहे हैं आप क्या जबरदस्त है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा। और दोस्तों अभी तो इसे स्प्लिट होता है, इसलिए 10 से इसकी फेस वैल्यू 2 हो गई है, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ, थोड़ी आगे चलते हैं, तो आप इसके प्रॉस देखिए दोस्तों, मतलब क्या क्या अच्छा ही है, डेट फ्री। और दोस्तों ये मेरा फेवरेट चीज है, ऑलमोस्ट डेट फ्री, कोई भी कंपनी अगर डेट फ्री है ना दोस्तों, तो वो बुरे वक्त से पूरे तरीके से लड़ सकती है दोस्तों, है ना। कंपनी अच्छे क्वार्टर गुड रिजल्ट दे सकती है, CGR पिछले 5 सालों में 40% से ऊपर की CGR दोस्तों पिछले 5 सालों में, जस्ट लुक एट द वैल्यू, हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है, ROE इसकी 39.35 है 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में, जबरदस्त दोस्तों, मतलब अल्टीमेट है। सेल्स ग्रोथ 10 साल में देखिए 21% से ऊपर, मतलब व्हाट अ कंपनी। लेकिन दोस्तों वैल्यूएशन भी कोई चीज होती है, जिसे कहते हैं ना भाव भगवान है दोस्तों, समझे। इसीलिए अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों आगे, तो आप पाएंगे कि भाई इसकी सेल्स देखिए, आप सेल्स देखिए जो 218 करोड़ हुआ करते थे September 2018 में, आज वो लगभग मान के चलिए, मतलब अगर दुगना भी नहीं मैंने तो 70-80% बढ़ चुके हैं दोस्तों, 392
ठीक है। नेट प्रॉफिट जो कभी 26 करोड़ हुआ करता था वो बेस बढ़ के दोस्तों कितना हो गया है, 79, 3 गुना, 3x हो गया है दोस्तों, ठीक है। इसी दोस्तों कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सबसे बड़ा दोस्तों प्रॉब्लम इसलिए लगती ना कि जिस लेवल पे काम करते ना, जिस सेक्टर में उसके उसमें इसकी बहुत मजबूत पकड़ है दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए कॉम्प्लेक्स केमिकल्स में भी अच्छा काम करता है, स्पेशलिटी केमिकल्स में जबरदस्त काम करते हैं दोस्तों। कंपनी टॉप नॉच है, ग्रोथ जबरदस्त है, डेट फ्री है, और सरकार जो केमिकल सेक्टर को लेकर के आने वाले समय में 2034 तक जो अपना एस्टिमेट लगा रखी है दोस्तों, और जो PLI स्कीम लाने वाली है उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज दीपक नाइट्रेट, एल्कन एलमाइन और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ऐसे लोगों में दोस्तों, ठीक है। लेकिन वैल्यूएशन के हाई रहते हैं दोस्तों, इसीलिए डाउन साइड का खतरा भी बना रहता है दोस्तों ये, और जो लेवल्स में बताया उसे ध्यान में रखें दोस्तों, और गिरावट में एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें दोस्तों, ठीक है। और सो ये मेरी पर्सनल राय, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक अगर देखे तो दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल में नया है चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।